अंटार्कटिका महाद्वीप, बर्फ की सफेद चादर से ढका यह इलाका, धरती का एक ऐसा कोना जहां कोई नहीं आता जाता। यहां सिर्फ बर्फ के अलावा ठंडी हवाओं का ही शोर सुनाई देता है और जिंदगी के नाम पर पेंगुइन या जलीय जानवर दिखाई देते हैं। धरती के बिल्कुल नीचे की तरफ बसे इस महाद्वीप में जितने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ और मैदान हैं, वहां उतने ही बड़े रहस्य भी हैं। यहां इंसान को सांस लेने के लिए हवा तो मिलेगी, लेकिन फिर भी वो धरती के इस कोने में बस नहीं सकता। यहां बसने की बात तो बहुत दूर है, वो यहां कुछ दिन भी नहीं बिता सकता, क्योंकि यहां का औसतन तापमान ही -40 डिग्री रहता है और ये कभी कभी इससे भी नीचे चला जाता है। खून जमा देने वाली इस ठंडी जगह पर इंसान की पल भर में मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इंसान यहां ऐसी खोज कर रहा है जिससे आने वाले टाइम में वो मालामाल हो सकता है। कई बड़े बड़े देश के वैज्ञानिक यहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। आखिर क्या छिपा है इस मौत के रेगिस्तान में? क्यों इंसान अपनी मौत को मात देकर यहां आने को तैयार है? और इन देशों को ऐसा क्या मिल गया है जिससे वो यहां अपना कब्जा जमा रहे हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर ये सवाल लगातार किए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इन जवाबों को जानने से पहले मैं आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताता हूं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी पर मौजूद वो बर्फीली दुनिया जहां इंसानों के लिए रहना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुदरत ने यहां ऐसा खेल खेला है जो इंसानों के समझ से बाहर की चीज है। एक खोज के बाद यहां बर्फ के नीचे से नए जीवन मिले। ब्रिटेन और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में एक्सट्रॉम आइस शेल्फ के नीचे जीवन पाया है। वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे ज्यादातर कीड़े और अन्य जानवर मिले हैं जो शैवाल को खाकर जिंदा रहे हैं। जमे हुए अंटार्कटिक महाद्वीप के भीतर गहरे जीवन की खोज अपने आप में एक बड़ी बात है। पहले यह सोचा गया था कि अंटार्कटिका में जीवन होना संभव नहीं है, क्योंकि सैकड़ों मीटर बर्फ की चादरें जीवन के फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान नहीं करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब बर्फ में बोरहोल को खोदा तो उन्हें नई जिंदगियां दिखाई दी। इंसानी खोपड़ी का रहस्य। इसके अलावा इस महाद्वीप पर जहां इंसान का रह पाना बहुत मुश्किल है, वहां बर्फ में इंसानों के कुछ अवशेष भी मिले हैं जो अपने पास कई राज छुपाए हुए हैं, लेकिन इनके सिर की बनावट बहुत अलग है। इनका सिर काफी लंबा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि असाधारण लंबाई प्राचीन सभ्यता की है, जब जनजाति के लोग किसी चीज में फंसा कर लंबा करते थे। अंटार्कटिका में पाए गए मानव कंकाल पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले कंकाल से काफी मिलते जुलते हैं, जिससे पता चलता है कि सालों पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में कुछ गहरा संबंध रहा होगा। यह संबंध कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को उजागर करता है और साबित करता है कि अंटार्कटिका पहले दूसरे विशाल भूभाग का भाग रहा था, जिसे आज पेंजिया के नाम से जानते हैं। उल्का पिंडों का खजाना। साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, जिसने इस छोटे से महाद्वीप में उल्कापिंड समृद्ध 600 से ज्यादा स्थान खोजे जाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अंटार्कटिका में लाखों की संख्या में उल्कापिंड मौजूद हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। इनमें से कुछ तो रिसर्च स्टेशन के काफी नजदीक भी हैं। इसके साथ ही धरती पर पाए गए उल्कापिंडों में से 62% अंटार्कटिका में मिले हैं। यही वजह है कि महाद्वीप बाहरी अंतरिक्ष के शोध के लिए एक हॉट जोन की तरह माना जाता है। उल्कापिंड सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में विशेष जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इन उल्कापिंडों में हैं। ब्लड वाटरफॉल। अंटार्कटिका का यह रहस्य शायद आपको डरा दे। यहां एक ब्लड वाटरफॉल भी मौजूद है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट को ये ब्लड वाटरफॉल मिले थे जब वो टेलर ग्लेशियर की सैर के लिए निकले थे। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल का पानी खून जैसा लाल है।
पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसके पानी का लाल रंग पानी में रहने वाली मछली के कारण है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि इस पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन और ऑक्सीजन है, जिसके कारण पानी का रंग लाल है। हालांकि इस झरने की मिस्ट्री तो सुलझ गई है, लेकिन इस पानी में पाए जाने वाले जीवों पर अध्ययन अभी भी जारी है, जो न जाने क्या राज खोलने वाला है। डायनासोर के अवशेष। दोस्तों, हम सालों से डायनासोर के बारे में सुनते आ रहे हैं। वैज्ञानिकों और हमारा मानना है कि धरती पर इंसानों से पहले रहते थे। वही खोज में पता चला है कि एक समय में डायनासोर अंटार्कटिका में भी रहते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 करोड़ साल पहले डायनासोर का यहाँ अस्तित्व था, लेकिन तब यहाँ बर्फ की जगह हरे भरे जंगल हुआ करते थे। गाने वाली आइस शीट। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका की बर्फ गाती है। 1950 में रोयस आइस शीट की स्टडी की गई तो पाया गया कि जब इसके ऊपर से हवा आइस शीट से टकराती है तो महिला के रोने की आवाज आती है, जिसे इंसान सुन नहीं पाते, लेकिन वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली मशीनों द्वारा इसे आसानी से सुना जा सकता है। यह आवाज आसपास के वातावरण और तापमान के साथ बदलती रहती है। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब यहाँ इतनी विषम परिस्थितियां हैं जहाँ इंसान भी नहीं रह सकता, तो फिर इस महाद्वीप को लेकर दुनिया भर के देश क्यों कब्जा जमाना चाहते हैं? इस लाइन में भारत भी शामिल है। तो दोस्तों बता दें कि अंटार्कटिका भले ही एक इंसानी जीवन के लिए अनुकूल ना हो, लेकिन इसका हमारे पर्यावरण से गहरा नाता है। लगातार हो रहे तापमान में बढ़ोतरी के इस एरिया पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिकों की चिंता बनी हुई है। प्रकृति के इस अहम हिस्से को बचाने के लिए दुनिया के कई देश साथ आए हैं। 1959 में 12 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे अंटार्कटिका संधि कहा गया। इस संधि में किए गए प्रावधानों के मुताबिक दुनिया के तमाम देश आपसी सहयोग के साथ यहां शांतिपूर्ण ढंग से शोध करेंगे। यहां किसी तरह की सैन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इस संधि की शुरुआत 12 देशों से हुई थी, लेकिन इससे अब तक 54 और देश जुड़ गए। भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए और इसे लेकर भारत में संसद के मॉनसून सत्र में पर्यावरण से जुड़े इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया गया है। इस बिल का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और इससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपायों को लागू करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी शिविर हैं, जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती नाम से बनाए गए हैं। ये शिविर साल 1983, 1988 और 2012 में शुरू किए गए थे। अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से अब तक भारत ने यहाँ 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं। अभी 2 शिविर मैत्री और भारती पूरी तरह से कार्यान्वित हैं। वहीं भारतीय अंटार्कटिक विधेयक भारत में अंटार्कटिका से संबंधित पहला घरेलू कानून है, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित रिसर्च स्टेशनों के लिए घरेलू कानूनों को लागू करना है। दोस्तों, जहां एक तरफ पर्यावरण को लेकर अंटार्कटिका दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के केंद्र बना हुआ है, वहीं हाल ही में इसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अंटार्कटिका में हीरे के भंडार मौजूद हैं, जिसके बाद इस निर्जन महाद्वीप में दूसरे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ गई है। दुनिया के लगभग सबसे ठंडे और सूखे इस वीरान महाद्वीप में अनुसंधान के काम में लगे वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबी रहने वाली ऐसी चट्टानों की पहचान हुई है, जो हीरे की बहुलता वाली चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। ऑनलाइन जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित रिपोर्ट में अंटार्कटिका में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने यहां हीरे पाए जाने के अकाट्य प्रमाण मिलने का दावा किया है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मिलने वाले खनिजों का व्यापारिक उद्देश्यों से खनन प्रतिबंधित होता है। अब ये खोज कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अंटार्कटिक महाद्वीप दुनिया भर के देशों के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज पीने के लायक पानी कम होता जा रहा है। वहीं समुद्र का पानी खारा है, तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन अंटार्कटिका माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पानी काफी मीठा है। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से कई आइसबर्ग टूटते हैं और समुद्र में यूं ही बह जाते हैं। वहीं अब इस बात पर वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ से मिलने वाले पानी का संग्रह कैसे किया जा सके। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, जिसे लेकर हर देश यहाँ अपना कब्जा जमाना चाहता है, वो है तेल। यहाँ खनिजों का पर्याप्त भंडार है और जहां इंसानों का बसेरा है वहां खनिज खत्म होने के कगार पर हैं। ऐसे में अंटार्कटिका सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है। यहां जिस देश की जितनी जानकारी होगी वो आने वाले समय में उतना ही उन्नत होगा और वो जितने अच्छे से यहां पैर जमा कर बैठेगा उसे उतना ही फायदा मिलेगा।